आज हम माल रोड पे आए हैं और हमारे साथ नीतीश राणा जी हैं। हेलो। और नीतीश भाई, आज हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या खास हम शॉपिंग करने वाले हैं? हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट लेने जा रहे हैं। अभी तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट कहीं भी अब ले लो, यहाँ पे सबसे सस्ता मिलता है। अभी आपको उसका वीडियो दिखाएंगे, ठीक है, कि आपको रेट भी बताएंगे क्या क्या रेट है, क्या क्या रुपये। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि कई लोगों को शायद पता ना हो कि यहाँ पे माल रोड पे जैसे कई लोग आते हैं तो हाँ, ऑब्वियसली सस्ती सस्ती चीज़ें वो महंगे रेट में ले लेते हैं यहाँ पे, और होता है ऐसा अक्सर टूरिस्ट प्लेसेस में। बट इस जगह पे क्योंकि आसपास का इलाका जो है वो पूरा स्नोफॉल वाला है और इन जगहों पे ड्राई फ्रूट्स की खेती की जाती है, तो कंपेयर टू जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, बेंगलोर, उनके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स काफ़ी लगभग आधा या कभी कभी आधे से थोड़ा कम में भी मिलेंगे। तो कल हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे। पहले आप ये मार्केट देख लो, ये है माल रोड और यहाँ पे जो आप समझ रहे हैं वो भी मिलता है। कई लोग आपको आके पूछेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, और अभी हम वो ड्राई फ्रूट्स की शॉप में पहुँच चुके हैं। एक्चुअली कल हमने यहाँ से काफ़ी सारा सामान ले लिया है ऑलरेडी, फिर अब हम दोबारा आए हैं और सामान लेने के लिए, दोस्तों के लिए और घर वालों के लिए। तो अगर कभी भी आप माल रोड पे आते हो मनाली में तो आप यहाँ देख सकते हो, गोल्ड में फिंगर्स भी काम नहीं कर रही। ये होटल याक रेस्टोरेंट के ठीक यहाँ साइड में सामने यहाँ पे शॉप्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, और कभी भी आप शॉपिंग करते हो तो कोशिश करो कि आप इनके पास से सामान जरूर लो, क्योंकि दुकान वालों का तो बिजनेस चल रहा है तभी वो दुकान का किराया और सब कर पा रहे हैं, बट इन लोगों के यहाँ अगर आप कंट्रीब्यूशन दोगे तो इनके घर में भी एक आय, एक रेवेन्यू जनरेट होगा। नमस्कार जी, वीडियो बना सकते हैं ना? वीडियो बना सकते हैं ना? सामान लेना है, ले ये आए थे कल ना लेके, पता है, तो मैंने ऐसे बता दिया, ये होटल याक के सामने यूट्यूब में डालेंगे। ये वॉलनट है ना, अखरोट जी हाँ। ये कितना है? आप खाली ले लो, जो कल का रेट था वही रेट लगाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, तो ज्यादा नहीं, नहीं नहीं नहीं, वजन वजन आधा किलो ना। इसका क्या रेट है? 250 का ना, ठीक है। और ये क्या है? मुनक्का, वो बीज वाला ना। हाँ, वेट भी पूछते रहो साथ में। वेट सात सौ ग्राम की बिकती, ठीक है। ये आधा किलो है, तुम खाओगे? बोल भी है। इसका क्या प्राइस है? हमने कल नहीं ली थी नहीं? हाँ कल नहीं ली थी, कल ली थी नहीं? ली थी क्या? अच्छा अच्छा, जैसे आपको हलवा वगैरह बनाना है तो आप उसमें मिक्स वाला लेकर यहाँ से डाल सकते हो, उसमें लगभग सब कुछ है। 100 का, ये आधा किलो है। तो अपना सामान ले लेते हैं। आधा भी बोले। आप हर साल कब से कब मतलब यहाँ पे बैठते हो? ये सर तो इनका हर महीने हर त्योहार है यहाँ मिलूंगी मैं। इनका कोई सीजन होता होगा ना कि कब ये आता है? हाँ, ये गर्मी की सीजन में आता है सब। अच्छा अच्छा, अखरोट तो गर्मियों के टाइम पे आप कुछ दूसरा आइटम देते हैं यहाँ पे? नहीं, वही बेचते हैं हम। अच्छा, यही, ठीक 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 ठीक। यहाँ पे आओ, टेस्ट भी कराने को मिलेगा। पहले कहाँ रखा आपने? मुझे कराओ टेस्ट। नमकीन का जू कराना पक्का, नमकीन का जू। एक ये बैग है हमारा, एक ये बैग है, एक ये बैग, ये तीन बैग है। अच्छा, वो जो दो का था उसमें डाल दिया।
एक भैया को दे दिया। वो बैग भी रखो यहाँ पे। हाँ तो ये है हमारा सामान, हमने लिया है अभी यहाँ पे। टोटल 4 बैग हो गए हैं। और ये जो आपको काजू मिलता है खाने को, काजू नहीं, आप कोई भी आइटम खा सकते हो यहाँ पे। तो हाँ, तो वैसे कुछ नहीं है। और खा के आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ऑयल है, तो वैसा नहीं है कि मतलब कई जगहों पे आप जाते हो तो वो तेल निकाल देते हैं, उसके बाद फिर आपको वो एक तरह से भूसा हो गया, उसका कोई काम नहीं है। तो आप जब भी यहाँ आते हो मनाली माल रोड के पास, तो अभी थोड़ी ठंड हो गई है, तो यहाँ पे आप ठेका है 100 पाइपर्स माल रोड में, नीचे की तरफ जब आप आओगे तो आपको होटल याक के ठीक यहाँ पे सामने, इनके सामने जो शॉप है इनके सामने ये, और ये एरिया मनाली बस स्टैंड के पास है। तो थैंक यू आंटी जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम भी चलते हैं और बाय, टेक केयर। बोलना, देख ले इसमें से कुछ खाना है तो, यार नाम नहीं पता मेरे को। ये भी है यहाँ पे, बोल, काश तू बोल सकता ना।